यमदूत बनेगा, यमदूत। हेलो गाइस, तो वेलकम टू माय ब्लॉग। तो कैसे हो आप सब? और आप, तुम्हारा भाई फिर से एक नए वीडियो की शुरुआत कर रहा है बहुत दिनों के बाद। और तुम ये सोचते होंगे कि तुम्हारा भाई हर वक्त घर पे ही क्यों करता है। तो यार देखो, मेरा घर है तो मैं घर पे ही करूँगा। फिलहाल मैं कहीं बाहर जाता आता नहीं ज़्यादा, तो इस वजह से मैं बाहर की रिकॉर्डिंग नहीं करता, घर की रिकॉर्डिंग करता हूँ। और हम फिलहाल में चल रहे हैं खेत पे, और हमारी ये खड़ी बुग्गी, इसे अभी मैं भैंसे को जोड़ूंगा। इसमें भैंसा जोड़ जाड़ के, भैंसा हमारा ये बैठा इधर देख रहे हो, है तो छोटा सा बेचारा, पर लेकिन इसे मैं जोड़ के फिर ले चलेंगे हम खेत पे। और आज हमारा खेत जुड़ रहा क्या बोला तूने है, मतलब सॉरी जुड़ रहा कह रहा हूँ, खेत जुत रहा है। तो वहाँ पे कुछ नियार व्यार भैंसों के नियार बोएंगे, तो पापा को मैंने बीज लेके भेज दिया। गाइस, हमारा भैंसा हो गया है रेडी चलने के लिए। देखो मेरा, ठीक है, बुग्गी हमने जोड़ दी है और अब हम चलते हैं सीधा खेत पे मेरी जान। गाइस, हमने फाइनली भैंसे को तो कर दिया है बाहर खड़ा, और मैं यहाँ के गेट लगा के जा रहा हूँ बाहर। है चल 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 चल। तो गाइस, बुग्गी हम लेके चल रहे हैं सीधा खेत पे, और मैंने अभी फाटक पार कर दिए पीछे, देखो। तो अभी सीधा खेत पर पहुंचेंगे। और नदीम जो है अभी डीजल लेने गया ट्रैक्टर के लिए, मैंने उसे अभी बाइक पे जाते हुए देखा था। और खेत पे जाके दिखाता हूँ मैं क्या क्या चल रहा है सीन। कोई शिकवा अगर हो, कोई शिकायत हमसे हो, तो हमसे मिला करो और इंखों में चला करो। क्या बोला तूने? वैसे देखने में तो ये बहुत ही ज्यादा कमजोर लगे, पर हैंचुद जो है ना, देखो ट्रू इमोशंस में गाली निकलती है। बहुत ज्यादा नियाल लिया है, क्या ये गोली लिया हुआ है भर के। मैंने कल देखा इसे, इनने चार पांच छह जो लकड़ी की जड़ होती है वे धर रखी, और जो है फिर अगोले धरे उसके बाद लकड़ी की जड़ धरने, मतलब चार एक जड़ में कम से कम 50 किलो से ऊपर वजन था, क्योंकि मैंने उठा के देखी उठी नहीं। वे लेके आया और फिर चार दस एक गोले धरे, यानी कि बहुत खींच लेता है। और देखने में ऐसा लगता है यार जैसे अभी बालक ही हो, देखियो बहुत वजन खींचता है ये, बहुत काम आ रहा, बहुत काम भैंसों के, अपनी सारी भैंसों के जितनी भी इसकी भैंस है ना, दादी नानी अम्मी मम्मी सब सबका पेट पाल रहा है अकेला। तो गाइस, फाइनली हम पहुँच गए अपने खेत पे, और अब फिलहाल में पापा है नहीं यहाँ पे, पता नहीं कहीं बाहर गए हुए हैं। और मैंने भैंसा छोड़ दिया अपना यहाँ पे चुगने के लिए, बुग्गी यहाँ खड़ी कर दी है, इस पर बैठा फहीम। हेलो गाइस, फहीम कैसा लग रहा मुझे, ऐसे इनने कई दिनों से जो खाना नहीं खाया, इसे लग रही है इसे लात मार कर भगा दिया हो। देखो इसका चेहरा कैसा लग रहा है, ये सबसे ज्यादा बुढ़ापा इसे आ रहा है, तबीयत खराब है ऐसे लगता है। इसका तो बहाना ले जावे यू, क्योंकि काम से बचने के लिए इसे और कुछ काम है नहीं, तो यूँ हर वक्त अपना खानू ही बताता रहे कि मैं बीमार हूँ, मेरी तबीयत ख़राब है। तो फिलहाल में गाइस हम आ गए अपने खेत पे, और मैं अपने खेत की थोड़ी बहुत वो दिखाता हूँ। वाला खेत है हमारा जो जूते का, इसमें सारे खेत में घास ही घास हो रही है, यहाँ से वहाँ तक सारा अपना है। और आज जो है फ्राइडे है, जुम्मा पढ़ेंगे ना धो के, पर मैंने सोचा था कि सुबह सुबह जो है अपना आके खेत वेत बुआ देते हैं, और फिर डोर वोल बना देंगे कल शाम को या दोपहर को। लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं, जो सोचते हैं वो होता नहीं है, मेरे साथ ऐसे ही होता है हमेशा, जब भी मैं कुछ भी सोचता हूँ वो होता ही नहीं है, कुछ अलग ही होता है। मैंने सोचा था घर से आते हुए कि खेत पर जाऊँगा, बीज लेके भेज दिया है ट्रैक्टर ने, खेत जोत दिया होगा, बीज सब में बिखर गया होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर आके देखा तो सारा ऐसी की ऐसी घास फांस सब ऐसी, अभी तक कुछ भी नहीं जुता। और पापा ट्रैक्टर वाले के पास गए हैं, उससे बात कर रहे होंगे जो भी है। पापा मेरे इतने आलसी हैं कि मैं तुम्हें क्या बताऊं, बहुत ज़्यादा आलसी हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हम फिर भी कंटिन्यू करेंगे। और इसे शायद जुम्मे के बाद फ्राइडे में, मतलब जुम्मे की नमाज पढ़ने के बाद, उसके बाद जूते क्या पता ये खेत। तो अभी तुम मेरे साथ बंदे रहो, और मेरे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दो, और मेरे चैनल को फैला दो यार, सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ फिर मैं शुरू करूँ।
जल्दी लगा दो आग। लेकिन मेरी चैनल वीडियो ऐसी ही आएंगी थोड़ी बहुत, क्योंकि अभी तुम्हारी थोड़ी बहुत सपोर्ट मिल रही है, ज़्यादा मिल नहीं रही है। पिछली वाली वीडियो में 50 व्यूज़ हैं और अब के में पता नहीं कितने होंगे। उस चीज़ से मुझे कोई फ़र्क नहीं है, चाहे आप देखो या ना देखो कोई बात नहीं, लेकिन मैं डालो जाऊँगा वीडियो। लेकिन अच्छी लगे तो लाइक कर देना, ना तो कोई बात नहीं मत करना, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और फिलहाल मैं जो है, मैं अभी तुम्हें और चीज़ दिखाता हूँ। तो ये चीज़ है गाइस, किसान आदमियों का दिमाग। तो इसमें जो है ईंख भी वो रखी है और सरसों भी है, यानी कि जो इतने ईंख होएगी बड़ी, इससे पहले सरसों हो जाएगी, और जितने भी इसमें सामान लगेगा मतलब पैसा लगेगा जितना भी, वो सारा सरसों अपना आप दे जाएगी और ईंख फ्री की रहेगी। क्योंकि आदमी यही सोचता है तो तभी किसान ऊपर बढ़ेगा, नहीं तो किसान हमेशा नीचे ही रहता है। तो अभी फ़िलहाल मैं करता हूँ पापा का वेट और मिलता हूँ थोड़ी देर बाद। सुबह उठते ही जो है ना, सबसे पहले यूँ ईंख छोलने आ जाता है, और एक दिन में 10-10 अगोले कर रहा है, 10-10। सबसे ज़्यादा मेहनती लौंडा है। अब भी जो है ना इनका खेत जुत गया। तो गाइस ये सारे जितने भी हैं किसान आदमी, ये जो है हमारी ईंख को छोले हैं, और ये अपनी भैंसों का गोला कर रहे हैं, अपनी भैंसों का गोला कर रहे हैं, और हम इनसे छुलवा रहे हैं क्योंकि आज हमारा खेत खाली हो जाएगा, इसमें फिर बोएंगे हम गेहूँ। कहाँ करें देखिए, देखिए कहाँ कर रखा है। गाइस हम दिखाते हैं एक बहुत ज़्यादा ख़तरनाक चीज़, और अभी मुझे पता चली है ये। ओ मेरी जान, बस ये भी दिखा है इसमें, ये गड्ढा सी का, जो कांटेदार वाली जानवर रहता है सी, उसने बहुत गहरा गड्ढा कर रखा है इसमें। अरे आगे चलो फिर तो गाइस अभी हमने जो है डोल बनाई थी, और मेरे पे सही से डोल बनानी आती नहीं है, आज तक मैंने बनाई नहीं। इसने जो है मुझे सही से लिया भी नहीं बनाते हुए डोल, जब मैं बनाने लगा था। और फिलहाल में अब चाचा बना रहे हैं डोल, ये मांझा है, इससे डोल बना रहे हैं। इन्होंने 4-5 डोल बना दी, और इससे यहाँ तक बनेंगी है, इस लाइन तक। हाँ तो गाइस, और अभी फ़िलहाल हम पापा डाल रहे हैं खेत में जई, मतलब जो भैंसों का नहीं आ रहा है जई डाल रहे हैं उधर की साइड में मेरे, और ट्रैक्टर थोड़ी देर में आएगा। तो पापा डाल रहे हैं जई, और ट्रैक्टर थोड़ी देर में आएगा, तो फिर हमारा खेत जुट जाएगा, उसके बाद बनाएंगे डोल। गाइस इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो गाइस, पानी लेने जा रहा है गाइस पानी। अरे सब्सक्राइब कर दो 2000। पहले भैंस से कोई घोड़ा बना दिया है, आज से इस पे जागरेगा, यमदूत बनेगा यमदूत। फाइनली हमारा खेत अब जुत रहा है, ट्रैक्टर आ गया, और देख रहे हो ये पहले मट्टी ऐसे से ऐसे हो गई है, अब यानी कि हमारा खेत जुती जाएगा। जब जो है खेत वेत जुतता है ना, तो सच्ची में बताऊँ इतना मज़ा आता है, बहुत ज़्यादा है, ऐसा लगता है कि मतलब कुछ एक नई चीज़ से शुरुआत हो रही हो हमारी। Oh my God! Wow! कुछ अलग ही फीलिंग आती है। तो यार मुझे तो मुझे औरों का तो पता नहीं, लेकिन मुझे बहुत मज़ा आता है, मुझे सच्ची में ऐसा लगता है कि मेरे साथ कुछ अलग फील हो रहा है। इतना वेट करने के बाद जो है ना, जब जाके ट्रैक्टर आया, और ट्रैक्टर आने के बाद ट्रैक्टर ने इतना टाइम भी नहीं लगाया है, बस ज्यादा थोड़ी सी देर में आधा सा खेत जोत दिया। बहकी सभी जुबां हैं, हम हैं हजारों में अब की। तो गाइस फाइनली हमारा खेत जुत गया है वहाँ पे, और अब मैं जा रहा हूँ घर बुग्गी लेके अपनी।
क्योंकि फिलहाल में जो है जुम्मे का टाइम हो रहा है, 12:30 बज रहे हैं, अजान होने वाली होगी, तो अभी नहाना भी है धोना क्या बोला तूने ये सब काम करने हैं, उसके बाद फिर जुम्मा पढ़ना है, तो जुम्मे की अजान होने वाली होगी, तो अब चलते हैं हम घर। तो गाइस फाइनली मैं आ चुका हूँ घर पे और मैं अब जुम्मे के लिए नहाने जा रहा हूँ। गाइस तो चाय पी लो। क्या बोला तूने? मजाक कर रहा हूँ। तो गाइस ये पीछे कौन आ गया? पता नहीं पीछे कौन है, बग गया। आ गया आ गया आ गया, ये कौन है? गाइस जुम्मा मुम्मा पढ़ के तो हम आ गए हैं, तो निकल जा पहली फुर्सत में निकल। व्लॉग हमारा होता है, व्लॉग का करता हूँ मैं लास्ट। अगर पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। नहीं आया तो मत करना, तुमसे मेरे भाई को कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, मिलते हैं एक नए अगले व्लॉग में।